नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी मैं अपनी ब्रेजा को एक हाईवे पर ड्राइव कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और अभी जो मेरी गाड़ी की स्पीड है 100 प्लस है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए करीब 105-110 की स्पीड मैंने मेंटेन कर रखी है। तो हाई स्पीड में इस गाड़ी की स्टेबिलिटी कैसी है थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। बॉडी रोल वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँगा, ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, केवल आपको ये बताऊँगा कि हाई स्पीड में जो नई ब्रेजा है उसमें आपको किस तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जैसे ही आपकी गाड़ी 90 प्लस होगी, 100 पे पहुंचेगी, थोड़ी सी रोड नॉइज़ आपको केबिन में फील होने लग जाएगी और थोड़ा सा इंजन का शोर भी आपको फील होने लग जाएगा, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में इसमें आपको 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है। और आप यहाँ RPM भी देख पा रहे होंगे, 3000 के करीब जो है RPM है 100 पे। और अभी मैंने थोड़ा सा एक्सीलेटर छोड़ा था क्योंकि एक ब्रिज से निकल रहा था, अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे ना, तो 100 की स्पीड में 3000 के करीब RPM इसका रहता है। तो हाई स्पीड में जब इस गाड़ी को आप चलाएंगे ना दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब हाई स्पीड में कहने का मतलब यह है कि 100 प्लस 120 के नीचे। और इसकी ब्रेकिंग वगैरह भी ज़बरदस्त है, जैसा कि आपने देखा कि तुरंत ही मैंने गाड़ी को रोक दिया, यहाँ पर ट्रक ओवरटेक कर रहा था, तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है और हैंडलिंग बहुत अच्छी है। जब आप गाड़ी को एकदम से मोड़ते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है वो अच्छे से काम करता है और आपको अलग ही कॉन्फिडेंस देता है। गाड़ी ऐसा लगेगा आपको चलाते समय कि बहुत ही जो है अच्छी हैंडलिंग इसकी आपको निकल के मिल रही है। और थोड़ा सा जब हम इसको 100 या 90 प्लस चलाते हैं, तब आप इस गाड़ी को फिफ्थ गियर में उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि एकदम से आपको ओवरटेक करना है, तो थोड़ी देर बाद आपको रिस्पॉन्स मिलता है। चूँकि इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो थोड़ा सा रिस्पांस लेट मिलता है, हालांकि एक बार रिस्पांस आने के बाद में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। और अभी आप देख भी पा रहे होंगे मेरी जो स्पीड है वो 100 की मेंटेन करके चल रहा हूँ और हाईवे भी इतना अच्छा नहीं है, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, तो हाई स्पीड में गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत बेहतर है, ब्रेकिंग बहुत बेहतर है और सस्पेंशन भी थोड़े हार्ड होने के कारण इसकी हैंडलिंग को बेहतर बनाते हैं। बात करें बॉडी रोल की दोस्तों, तो थोड़ा सा बॉडी रोल आपको फील होगा क्योंकि ये थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है, लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलता है। हालांकि मोनोकोक चेसी होने की वजह से और गाड़ियों के मुकाबले, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि जो लेडर फ्रेम चेसिस पे बनी हुई गाड़ियां होती हैं उनके मुकाबले बॉडी रोल कम है, तो मज़ा आएगा आपको इस गाड़ी को चलाने में। और विजिबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, बोनट पूरा आपको दिखाई देगा, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि कहीं से आपको गाड़ी निकालते समय प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अच्छा जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। तो कुल मिला के बहुत अच्छा जो है आपको फील कराएगी ये गाड़ी हाई स्पीड में, बिल्कुल बढ़िया जो है रोड पे पकड़ करके चलती है ये गाड़ी, स्टेबल होके चलती है और चौड़े टायर का भी फ़ायदा मिलता है, इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, राइड क्वालिटी भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आपको बताया जाए क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।